नमस्कार, आप देख रहे हो इस वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या शर्मा। तेजी से बढ़ती गर्मी न केवल दुनिया के महासागरों का जल स्तर बढ़ा रही है, बल्कि ऊंचाइयों पर स्थित ग्लेशियर भी पतले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बर्फीले इलाकों की झीलों का आकार भी बढ़ रहा है, जो उत्साह बढ़ाने वाला संकेत नहीं है। नए अध्ययन में हिमालय के इन्हीं अवलोकनों के साथ प्रतिमानों में सिमुलेशन कर पाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2100 को दुनिया के ग्लेशियर अपना 40% तक का भार जो है वे गवा देंगे। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि कितने अधिक की तापमान वृद्धि का कितना और कैसे असर देखने को मिलेगा। यह प्रभाव कुछ खास जगहों पर नहीं पर वहां पर भी दिखेगा जहां इंसानों की पहुंच नहीं है। एक अभूतपूर्व अध्ययन में कार्नेगी मेनोन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर डेविड राउस की अगुवाई में किए गए शोध में पूरी दुनिया में ग्लेशियरों के पिघलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। साइंस में प्रकाशित जर्नल में इस शोध में राउस और उनकी टीम ने 2013 से लेकर 2017 तक हिमालय के एमजा लोहत्से शाल ग्लेशियर का अध्ययन किया। इस अध्ययन में राउस की टीम ने सबसे प्रमुख तौर पर पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से कम हो रहा है और झीलों का विस्तार होने लगा है। उन्होंने बताया कि एक ही जगह पर बार बार जाना और झीलों के विस्तार के साथ पतले होते ग्लेशियरों को देखना आंखें खोल देने वाला नजारा होता है। अध्ययन में विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग कर वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान के प्रभाव का अनुमान लगाया गया कि यदि दुनिया के ग्लेशियर पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में औसत 1.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होते रहे तो ग्लेशियरों का क्या होगा। इनमें उन्होंने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों को शामिल किया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।